नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पब्लिक हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी टाइम हो गया है, अपन फार्मेकोलॉजी क्लास शुरू करते हैं। सभी ग्रुपों में शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, शेयर करो सभी ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आए सभी को शेयर करो। कमल सिंह, हेलो कमल सिंह, सबको शेयर कर। पंकज कुलारी शेयर कर। राम राम। नीलम शेयर करो सभी को। नीलम कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सीता मीना हेलो, मोटिवेशनल दोस्त। राम राम। आदित्य, आदित्य शेयर कर सभी को, सभी ऑनलाइन आए। राम राम। जुनेश गुड इवनिंग। विकी वार्ड में राम राम। परमार, परमार समरिया मेरा। धर्मेंद्र डूडी, रतनलाल गुजर, कमल सिंह गुड इवनिंग, नरेंद्र कुमार, चुकी सैनी राम राम। सभी को शेयर करो, अपन स्टार्ट करेंगे। जाटोलिया शेयर कर, धर्मेंद्र डूडी शेयर कर, राहुल शेयर कर, सभी को शेयर करो, जल्दी करो जल्दी। धर्मेंद्र डूडी आज टू हेलो। अनुज जाट, अनुज शेयर कर सभी को, अपन स्टार्ट करें फिर। हिमांशु लाहौटी, कुशीराम प्रजापत, रोशन मीना, नीलम कुमार हेलो, सुरेंद्र सिंह चंदावत गुड इवनिंग। सुरेंद्र शेयर कर दे सभी को जितने भी हैं। शिशिर आर्याल एनाटोमी क्या, ठीक है करें स्टार्ट। रतनलाल राम राम। चलो कैमरे में दिखता नहीं, नहीं ये क्यों रहा है, मेरे को महसूस हो रही है। सेट हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। आज अपन जो है आगे जो पढ़ते हैं वो है लोशन, लोशन ठीक है। किस अवस्था में पाई जाती है औषधि, द्रवावस्था में पाई जाती है, लिक्विड के रूप में पाई जाती है औषधि। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि सॉलिड लिक्विड क्या होगा तो आप द्रवावस्था में आप इसको बताओगे ठीक है। ये औषधि जो है, ये लोशन जो है अपन खाने के काम में लेते हैं, बाहर यूज करते हैं, तो हमेशा चमड़ी पर बाह्य रूप से काम में ली जाती है। तो ये चमड़ी पर बाह्य रूप से लगाई जाती है ठीक है। एक खासियत और है लोशन का, लोशन की खासियत यह है कि आप चमड़ी पर कोई भी दवाई लगाते हो तो कई बार आपको रगड़ना पड़ता है। लोशन में ऐसा नहीं है, लोशन में भी ऐसा नहीं है, आगे लिखकर आएगा उसमें भी ऐसा नहीं है। दोनों के अंदर क्या है, आपको रगड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी कॉटन या गोज लीजिए आप और उसकी सहायता से आप त्वचा पर लगा दीजिए, रगड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस औषधि को रुई ले लो या आपका गोज, ऑपरेशन करते हैं उनको पता है बैंडेज का बना हुआ गोज, गोज की सहायता से चमड़ी पर लगाया जाता है, रगड़ा नहीं जाता है, ध्यान रखना। इस लोशन को त्वचा पर रगड़ा नहीं जाता है। आप सिर्फ रुई या गोज की सहायता से इस औषधि को आप लगा लीजिए, आपको जो है रगड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है। त्वचा पर ये क्या प्रभाव डालती है कि अपन इसका यूज करते हैं, तो त्वचा पर एक तो एंटीसेप्टिक, मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव है उनको मारने के काम में ले सकते हैं। ठंडापन लाने के लिए हो या त्वचा पर कोई सुरक्षात्मक परत बनानी हो तो अपन लोशन का उपयोग करते हैं। तो किस तरह से त्वचा पर एंटीसेप्टिक, लगभग ये जितने भी त्वचा पर लगाने वाली है सब एंटीसेप्टिक तो होंगी, एंटीसेप्टिक होती है। ठंडेपन का लक्षण,
ठंडेपन ठंडापन देती हैं तथा तथा सुरक्षात्मक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती हैं। ये लोशन जो होती हैं त्वचा पर एंटीसेप्टिक सूथने की प्रक्रिया जिसको ठंडेपन का इफेक्ट बोलते हैं वो और जो है सुरक्षात्मक परत का निर्माण जो है वो ये परत पर इस चमड़ी पर ये लोशन जो है वो डालती है। इन और ये जो लोशन है वो हमेशा आपको व्हाइट कलर की बोतल में काम ही नहीं लेना है, हमेशा कलर्ड बोतल रंगीन बोतल हो उसके अंदर ही काम में लेना है ताकि सूर्य की प्रकाश की किरणों का कम से कम प्रभाव पड़े। तो रंगीन बोतलों के अंदर दिया जाता है, रंगीन बोतलों के बोतलों में दिया जाता है। तो लोशन हमेशा रंगीन बोतलों में दिया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो लोशन जब भी आप लोशन की कोई भी बोतल दो तो लोशन पर आपको एक स्टिकर जरूर चिपकाना पड़ेगा। एक तो ये कि आप ढंग से इसको हिला लें तथा एक्सटर्नली यूज करें, कहीं कोई आदमी लोशन पी गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो लोशन के ऊपर जो है बोतल के ऊपर बोतल पर यह है लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सेक वेल बिफोर यूज, बिफोर यूज उपयोग करने से पहले ढंग से उसको हिला लें। और ये लिखना है फॉर एक्सटर्नली यूज, एक्सटर्नली यूज, एक्सटर्नली यूज का जो है इसका मतलब यही है कि बाहर आप त्वचा पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपको इसको पीना नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लोशन जो है वो लिक्विड होती है, सबसे पहली बात ये है। कहां पर काम में लोगे, सिर्फ और सिर्फ चमड़ी पर बाह्य रूप में लगाने के काम में लेते हो, आपको ये कभी भी निगलनी नहीं है, ओरली आपको कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लगाने का तरीका होता है, एक तो रगड़ रगड़ के लगाना होता है, एक आप वहां पर जो है रुई या गोज की सहायता से लगा दो। तो इस औषधि को रुई और गोज की सहायता से आप बाहर लगा दो, रगड़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। त्वचा पर एंटीसेप्टिक प्रभाव डालती है, ठंडेपन का प्रभाव डालती है और सुरक्षात्मक जो परत है वो त्वचा के ऊपर बनाती है। और हमेशा रंगीन बोतलों में दिया जाता है, इसको कलर्ड जो बोतल होती है उसके अंदर ही डाल के दिया जाता है ताकि सूर्य की प्रकाश की किरणों का कम से कम असर जो है इस पर पड़े। और बोतल पर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि सेक वेल बिफोर यूज, उपयोग करने से पहले जो है इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए। फॉर एक्सटर्नल यूज बाह्य उपयोग के लिए है, ओरली उपयोग के लिए नहीं है, ठीक है। फॉर एक्सटर्नली यूज ओनली, केवल और लिखना है, केवल आपको जो है बाह्य उपयोग में इसको आपको काम में लेनी है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ लोशन की, व्हाइट लोशन या डिक्स लोशन जिसको बोलते हैं, उसका कंपोजिशन वगैरह अपन देखते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है व्हाइट लोशन या डिक्स लोशन, व्हाइट लोशन, डिक्स लोशन, या इसको अपन कई बार लेड लोशन भी बोलते हैं। अभी आप कंपोजिशन में देखोगे तो इसमें लेड जो है वो उपयोग में आता है, लेड लोशन, ठीक है। अब इसका अपन जो है संगठन देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो इसके अंदर लेड एसिटेट होता है, जिंक सल्फेट होता है, लेड एसिटेट यह होता है 5 ग्राम, जिंक सल्फेट ये होता है इसमें 4 ग्राम, और फाइनली जो है इसके अंदर क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है जो कि अपने को विलयन जो है 1000 ml के आसपास इस विलयन को अपने को बनाना पड़ता है। तो डिस्टिल वाटर अप टू 1000 ml, ठीक है। इसमें दो मुख्य चीज क्या क्या होती है, लेड एसिटेट और जिंक सल्फेट। इसके अंदर आपको क्रिया देखनी है थोड़ी सी, इन दोनों को मिलाओगे तो कुछ रासायनिक क्रिया होंगी जिससे आपको ये सारे के सारे प्रभाव जो मैंने बताए हैं वो आपको दिखेंगे। तो पहला जो पीबी अपन लेड बोलते हैं, तो लेड एसिटेट प्लस जिंक सल्फेट और अपन ने वाटर मिलाया, तीन चीजें अपन इसके अंदर मिक्स करी है,
तीनों चीजें आपस में क्रिया करके जो है वो क्या बनाती हैं, लेड सल्फेट बन जाएगा प्लस जिंक एसिटेट बन जाएगा। ये दो जो है जिंक एसिटेट, ये दो जो है नए पदार्थ बन जाएंगे। इसके अंदर जो जिंक एसिटेट है वो एंटीसेप्टिक सेडेटिव और एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। ये किसका काम करता है, एंटी सेप्टिक सेडेटिव और एस्ट्रिंजेंट। तो आपने क्या किया था, आपने ये कंपोजिशन बनाया, इसके अंदर आपने दो चीज मिलाई, एक तो ये लेड एसिटेट है, फिर जिंक सल्फेट के अंदर मिलाया और माध्यम क्या था, पानी था। ठीक है, रिएक्शन होके क्या बन गया, लेड एसिटेट की तरह जगह तो बन गया लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट की जगह बन गया जिंक एसिटेट। इसमें तो घटक है वो क्या है, जिंक एसिटेट है। जिंक एसिटेट ही त्वचा पर एंटीसेप्टिक सेडेटिव, मतलब आपने आप जहां पर लगा दिया वहां पर दर्द जो है वो कम हो जाएगा, सेडेटिव और एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट लेके आता है। और लेड एसिटेट क्या करता है, जिंक सल्फेट के प्रभाव को बढ़ाता है। ये क्या करता है, जिंक एसिटेट के प्रभाव को बढ़ाता है, प्रभाव को बढ़ाता है। एक बार दोबारा देखना, आपको ये लोशन दोबारा देखना, लोशन का नाम है व्हाइट लोशन या डिक्स लोशन भी बोलते हैं या लेड लोशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर लेड एसिटेट है, जिंक सल्फेट है और डिस्टिल वाटर है। ठीक है, इसमें लेड एसिटेट जिंक सल्फेट और पानी आपस में क्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लेड सल्फेट और जिंक एसिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जिंक एसिटेट में कौन सा गुण है, ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, सेडेटिव का काम करता है और एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। तो साहब लेड एसिटेट का काम क्या है, लेड सल्फेट का काम क्या है, तो लेड सल्फेट का मुख्य कार्य क्या है, जिंक एसिटेट के प्रभाव को बढ़ाना, जिंक एसिटेट के प्रभाव को बढ़ाना। और जिंक एसिटेट क्या करता है, एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, सेडेटिव के रूप में कार्य करता है और एस्ट्रिंजेंट के रूप में जो है कार्य करता है। तो ये अपना पहला एग्जांपल था व्हाइट लोशन, शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा था। ठीक है, ये लोशन था, लोशन का एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सी चीज है। लोशन द्रव अवस्था में होता है, बाह्य उपयोग में लिया जाता है, थर्ड चमड़ी के ऊपर लगाने के काम में लेते हैं, और चमड़ी पर लगाते समय आपको रगड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, आप रुई में लीजिए इसको, चाहे गोज में लीजिए, और त्वचा पर आप आराम से इसको लगा सकते हो, ऐसे रगड़न पट्टी नहीं करनी आपको। ठीक है, रगड़ना नहीं है, त्वचा पर जो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट, ठंडेपन का इफेक्ट और एंटीसेप्टिक इफेक्ट जो है ये डालता है। इसमें एक एग्जांपल जरूरी था, तो मैंने व्हाइट लोशन, डिक्स लोशन या लेड लोशन का मैंने एग्जांपल दे दिया, जिसके अंदर लेड एसिटेट होता है, जिंक सल्फेट होता है और डिस्टिल वाटर होता है। इन तीनों में आपस में क्रिया करके ये दो उत्पाद बनाए, जिसमें एक तो लेड सल्फेट है, एक जिंक एसिटेट है। जिंक एसिटेट का कार्य क्या है, एंटीसेप्टिक सेडेटिव और एस्ट्रिंजेंट। फिर लेड सल्फेट का क्या काम है, तो लेड सल्फेट जो है वो जिंक एसिटेट के कार्य के प्रभाव को बढ़ाती है, अर्थात ये तीनों कार्य बड़े ताकत से या प्रभाव से करवाती है। तो ये है लोशन, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा था, कोई दिक्कत नहीं। अगली दवाई जो अपनी है वो है लिनिमेंट, लिनिमेंट। लिनिमेंट तो अब हेडिंग डाल लो, लिनिमेंट अपन पढ़ेंगे, लिनिमेंट। देखो लिनिमेंट द्रव भी हो सकती है और अर्ध ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, ये वस्तु जो है आपको लिक्विड भी मिल सकती है और सेमी सॉलिड भी मिल सकती है। अर्थात ये औषधि लोशन तो सिर्फ द्रव अवस्था में था, ये द्रव अवस्था में भी मिल सकता है और अर्ध ठोस में भी मिल सकता है। तो ये औषधि द्रव व अर्ध ठोस अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस औषधि को भी आपको बाह्य उपयोग में करना है, त्वचा पर लगाना है, लेकिन लिनिमेंट को जब भी आप कभी भी लगाओ तो त्वचा पर रगड़ कर लगाना होता है। जैसे लोशन को रगड़ कर लगाना नहीं था ना, लोशन को अपने को लोशन सॉरी लोशन को अपने क्या किया था,
लोशन को अपन ने रुई पे लिया था या गोज पे लेके त्वचा पे रख दिया था, लेकिन इसको ऐसा नहीं है, आपको त्वचा पे रख कर इसको बार बार रगड़ना है। तो लिनिमेंट को उपयोग लेने से ले, इसका उपयोग तो क्या है, बाह्य उपयोग त्वचा पर किया जाता है, और कैसे किया जाता है, रगड़ कर उपयोग किया जाता है। तो लिनिमेंट का उपयोग, लिनिमेंट का उपयोग उपयोग त्वचा पर बाह्य रूप से किया जाता है, किया जाता है, तथा तथा रगड़ कर त्वचा पर लगाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। अगला पॉइंट देखिए आप, इस पर आपको त्वचा पर क्या क्या प्रभाव डालती है। एक तो मैंने बताया कि एंटीसेप्टिक प्रभाव डालेगी, इसके अलावा ये रूबी फेसिएंट इफेक्ट डालती है। रूबी फेसिएंट का मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज पे, आप त्वचा पर कोई चीज रगड़ोगे तो वहां लालिमा आ जाती है, ललाई आ जाती है। ठीक है, ललाई आ जाती है। तो रूबी फेसिएंट और एंटीसेप्टिक दोनों का काम जो है ये क्या करती है, लिनिमेंट करती है। तो त्वचा पर क्या क्या प्रभाव डालती है, एंटीसेप्टिक व रूबी फेसिएंट, रूबी फेसिएंट का मतलब ललाई, त्वचा पर एंटीसेप्टिक रूबी फेसिएंट प्रभाव डालती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाह्य उपयोग हो गया। इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है कि त्वचा पर जितनी भी दवाइयां लगाई जाती हैं, उन सभी दवाइयों से इस दवाई को पृथक करने के लिए, जितनी भी जैसे लोशन लगा रहे हो, और भी लिक्वर्स लगाएंगे, लिनिमेंट लगा रहे हैं, पेस्ट लगा रहे हैं, जितनी भी दवाइयां लगा रही हैं, ठीक है, उन दवाइयों में से लिनिमेंट को पृथक करने के लिए, पहले तो पृथक करने से पहले आपने को यह समझना पड़ेगा कि इसके अंदर विलायक कौन कौन से काम में लेते हैं। दवाई होती है और बाद में विलायक लेते हैं, तो इसके अंदर तीन तरह के विलायक अपन काम में ले सकते हैं, एक तो अल्कोहल, साबुन व तेल। लिनिमेंट बनाने के लिए कौन कौन से विलायक काम में ले जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेल, साबुन और दारू, तीन चीज। तो ये पॉइंट अपन सबसे पहले लिखते हैं, लिनिमेंट बनाने के लिए तेल, साबुन वह अल्कोहल को विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि इस लिनिमेंट को त्वचा पर लगाने वाली अन्य औषधियों से पृथक करने के लिए इसमें कपूर भी मिलाया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं, त्वचा पर लगाने वाली अन्य औषधियों से पृथक औषधि बनाने के लिए ये याद रखना, कपूर भी मिलाया जाता है। ये कपूर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में जो है इसका काम आ सकता है, तो आप जो है इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो कपूर जो है इसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है एक बोतल के अंदर, ऊपर दिख रहा है क्या, ऊपर वाला नहीं दिख रहा, मैं दोबारा रिपीट करने वाला था, लिनिमेंट नाम उठा देते हैं। आगे वाला पॉइंट जो है मैं लिनिमेंट के यहां पर लिख देता हूं, ये यहां पे देख लो, यहां पर लिखा हुआ है, इस औषधि को कैसी बोतल के अंदर डाल के देना चाहिए। तो नीले रंग की बोतल के अंदर लिनिमेंट को
लिनिमेंट को नीले रंग की बोतल में, नीले रंग की बोतल में, बोतल में दिया जाता है, बोतल में दिया जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, महा इंपोर्टेंट है। महा इंपोर्टेंट चीज क्या है, देखो उसके अंदर तेल है, साबुन है, तो आपको कभी भी लिनिमेंट को कटी फटी स्किन के लिए काम में नहीं लेना है, वरना बहुत जलन होगी। तो ये पॉइंट मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है, लिनिमेंट को देख दिख रहा है, लिनिमेंट को कभी भी कटी फटी त्वचा पर नहीं लगाना है। ठीक है, और जो बोतल आप दोगे उस बोतल पर यह लिखा होना चाहिए कि इट इज यूज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड नॉट, डोंट अप्लाई या नॉट अप्लाई ऑन बर्न और डैमेज्ड स्किन, कि टूटी फूटी त्वचा पर आपको इसको काम में नहीं लेना है। तो ये लिनिमेंट के बारे में था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं। लिनिमेंट जो है ये, यहां से देखो, ये औषधि द्रवावस्था में भी मिल सकती है आपको और अर्ध ठोस अवस्था के अंदर भी मिल सकती है, सेमी सॉलिड दोनों अवस्थाओं के अंदर मिल सकती है। लिनिमेंट का उपयोग जो है आप कहां करोगे, पीने के लिए करोगे, क्या करोगे, तो इसका उपयोग त्वचा पर ही करोगे, बाह्य रूप से करोगे। ठीक है, इसको अप्लाई करते समय आपको रगड़कर इसको अप्लाई करना है, जबकि लोशन को रगड़कर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, त्वचा पर ये एंटीसेप्टिक रूबीफेसिएंट प्रभाव डालेंगे। रूबीफेसिएंट का मतलब क्या होता है, जहां रगड़ोगे वहां ललाई या मतलब लाल हो जाएगी त्वचा, ललाई आ जाएगी, मतलब त्वचा जो है वहां की क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। तो रूबीफेसिएंट इफेक्ट का मतलब ये होता है ललाई को लेके आना। ठीक है, रगड़ोगे तो ललाई आ जाएगी। लिनिमेंट बनाने के लिए कौन कौन से विलायक काम में ले सकते हो, तो तेल, साबुन और अल्कोहल को आप विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किस किस को विलायक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, तेल को भी कर सकते हो, साबुन को भी कर सकते हो और अल्कोहल को भी विलायक के रूप में है तो इस्तेमाल कर सकते हो। त्वचा पर लगाने वाली, त्वचा पर जितनी भी औषधियां लगाई जाती हैं उन सभी औषधियों से इसको पृथक बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ी मात्रा किसकी मिला दी जाती है, कपूर की मिला दी जाती है। मैं आगे आपको एग्जांपल देके बताऊंगा जिसमें कपूर संगठन के रूप में आएगा। लिनिमेंट को हमेशा कैसी बोतलों में डाल के देना चाहिए, नीले रंग की बोतलों के अंदर डाल के देना चाहिए, और लिनिमेंट को कभी भी कटी फटी त्वचा के अंदर उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी जलन पैदा करता है और अल्कोहल भी क्या पैदा करेगा, जलन पैदा करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लिनिमेंट को कभी भी कटी फटी त्वचा के अंदर इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, फिर मैं डिफरेंस बताता हूँ लिनिमेंट और लोशन के बीच में। समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो अपन दोबारा समझा देंगे। ओके सर, प्रदीप सियाग, प्रदीप बहुत दिनों के बाद में आया भाई, तुम क्लास जो, हाँ वेरी गुड, अरे क्लास लिया करो डेली। प्रदीप सियाग बहुत दिनों के बाद, आदित्य कपूर का काम भी बताएंगे आदित्य। ओके कपूर का दोनों ही काम है, एंटीसेप्टिक और रूबीफेसिएंट दोनों ही काम है कपूर के। वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, कपूर का काम जो है वो एंटीसेप्टिक भी है और रूबीफेसिएंट भी है, ललाई लेके आता है। आगे जो है अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनिमेंट। लिनिमेंट और लोशन के अंदर जो है अंतर क्या है, ये चीज अपन देखेंगे। तो हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन लिनिमेंट एंड लोशन। तो एक साइड में जो है लिनिमेंट लिख लो और दूसरी साइड में जो है लोशन लिख लो, इनमें जो जो डिफरेंस होगा अपन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये जो है, आप पता है कि इन दोनों में से, लिनिमेंट और लोशन में से कौन सी औषधि जो है रगड़ के लगाई जाती है, तो ये रगड़ के लगाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपने, रगड़ के लगाते हैं। ठीक है,
और इसको मैंने आपको बताया था रगड़ने की जरूरत नहीं है, रुई में लीजिए, गोज में लीजिए और त्वचा पर डायरेक्ट लगा दीजिए। रगड़ कर नहीं लगाया जाता, रगड़ कर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि रगड़ के लगाते हैं, उसको रगड़ कर नहीं लगाते हैं, ठीक है। लिनिमेंट को मैंने अभी बताया है, कटी फटी स्किन पर आपको नहीं लगाना है क्योंकि उसके अंदर साबुन है, अल्कोहल है जो बहुत ज्यादा जलन पैदा करेगा। जबकि लोशन जो है आप कौन सी भी त्वचा पे लगा दो, चाहे इंटैक्ट स्किन हो, एकदम आपकी जो है पूरी स्किन हो या कटी फटी स्किन हो, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि कटी फटी त्वचा पर नहीं लगाया जाता है। जबकि लोशन जो है वो कटी फटी त्वचा पर लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला डिफरेंस आता है विलायक को लेकर। इसके अंदर विलायक कौन कौन से हैं? अल्कोहल है, साबुन है और तेल है, और इसके अंदर हमेशा विलायक क्या होगा? पानी होगा। तो आपको विलायक के अंदर डिफरेंस याद रखना है। इसका जो विलायक है वो क्या होता है, कौन कौन होता है? तेल होता है, साबुन होता है या अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोशन में विलायक हमेशा आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो ये भी डिफरेंस आपको याद रखना है। लोशन के अंदर हमेशा और हमेशा आपको पानी मिलता है, उसके अंदर जो है आपको इनके अंदर तेल, साबुन, अल्कोहल कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। त्वचा पर जो है इसका प्रभाव जो है वो कैसा होता है? ललाई लेके आता है। ललाई कैसे लेके आएगा? त्वचा पर इरिटेंट व काउंटर इरिटेंट, इन दोनों का मतलब आपको पहले बता चुका हूं मैं। इरिटेंट काउंटर इरिटेंट के रूप में त्वचा पर कार्य करता है। जबकि ये जो है लोशन जो है वो किसके रूप में कार्य करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में। किसके रूप में काम करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में। ठंडापन देता है त्वचा को तथा त्वचा को सुरक्षात्मक परत बनाता है। सुरक्षात्मक परत, ये कार्य जो है वो कौन करता है? त्वचा पर करता है। कौन करता है? लोशन करता है त्वचा पर जो है। लोशन का काम क्या है? एंटीसेप्टिक, ठंडापन प्रदान करना और सुरक्षात्मक परत को जो है बनाए रखना। अब एक डिफरेंस और बच गया, मैंने बताया नहीं था आपको कि कपूर किस में पाया जाता है। तो लिनिमेंट में कपूर जो है, कपूर मिलाया जाता है। जबकि लोशन के अंदर कभी भी आपको कपूर नहीं मिलेगा, कपूर नहीं पाया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखो लिनिमेंट का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर कपूर होगा। लोशन के अंदर जो है वो कपूर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको आप रगड़ कर लगाते हो, इसको रगड़ कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप रुई में लीजिए या उसको गोज में लेकर के जो है आप आराम से त्वचा पर लगा सकते हो। इसको आप कटी फटी स्किन पर नहीं लगाओगे, जलन हो जाएगी, इसको आप कटी फटी स्किन पर लगा सकते हो। इसके अंदर विलायक जो है वो तेल इस्तेमाल कर सकते हो, साबुन, अल्कोहल, ये काम में ले सकते हो। जबकि लोशन के अंदर विलायक हमेशा आपका पानी मिलेगा। ये त्वचा पर इरिटेंट और काउंटर इरिटेंट के रूप में कार्य करता है, जबकि ये त्वचा पर एंटीसेप्टिक, ठंडापन और प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण जो है वो करता है। तो ये मेजर से डिफरेंस थे लिनिमेंट और लोशन में। कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो, हो गया टाइम? कोई इसमें दिक्कत है तो मेरे को बता दो, टाइम हो गया? कोई दिक्कत है? कल अपन जो है टिंचर का जो एग्जांपल देख लेंगे, टर्पेंटाइन टिंचर जो होती है। नो दिक्कत, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आप न्यूट्रिशन की क्लास में आइए, सभी रेगुलर आया करो और क्लास लिया करो। अगर तुम क्लास नहीं लोगे तो मेरा भी मनोबल टूट जाएगा, ठीक है। तो सभी क्लास लिया करो,
और समझो आराम से, थोड़ी गहराई तो हो गई है फिर भी करेंगे एडजस्ट, समझना जरूरी है। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।